इनको पहचानने के लिए सबसे पहले तुम्हें जाकर कल्बी बनना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगाना होगा। हदीस शरीफ में है कि वली की पहचान जिसकी महफिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाए। जब तुम्हारी दिल की धड़कने अल्लाह अल्लाह में लग जाएंगी, फिर यहां नजदीकी दरबार है अब्दुल्ला शाह गाजी का, वहां चले जाना। तो वहां भी अल्लाह है, यहां भी अल्लाह है। जिस तरह बादल टकराते हैं गिड़गिड़ाहट भी होती है, इसी तरह जब अल्लाह अल्लाह टकराता तो रिकत भी होती है। तुम्हारे दिल में रिकत पैदा हो जाएगी, तुम्हारा जिक्र तेज हो जाएगा, समझ जाओगे ये वली है। फिर दूसरी दरबार पे चले जाना, सेवन शिव चले जाना, वहां भी अल्लाह यहां भी अल्लाह, वहां भी रिकत पैदा हो जाएगी, दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह तेज हो जाएगी, समझ जाओगे कामल है। फिर अपने मुर्शिद के पास चले जाना, मुर्शिद के पास चले जाना। अगर वहां भी जाने से वही चीज होती है जो सामर शरीफ में हुई थी या गाजी बाबा पे हुई थी, फिर तुम्हारा मुर्शिद कामल है। फिर जान भी जाती है, जाने देना, उसको नहीं छोड़ना। मेरा माही तेरा माही, तीनों दुनिया की भलाई। फिर तुम जैसे भी हो परवाह नहीं। सुल्तान साहब ने फरमाया, अच्छा असा मुर्शिद फड़िया आपे लासी सारा हो, कि हमने मुर्शिद को पकड़ लिया, अब वो खुद ही हमारे गुनाहों को माफ कराएगा, साफ कराएगा, हमारे दिल को जंग उतारेगा। बल्कि ऐसे मुर्शिद के लिए हदीस है कि योम मैशर में चमक रहेंगे एक कोने पे नबियों की तरह। लोग कहेंगे पता नहीं ये कौन सा नबी है, आवाज आएगा नबी नहीं वली था। लोग कहेंगे वली तो हर जमाने में होता है, देखे तो जा किसी पहचान जाएंगे। एक कहेगा ए अल्लाह मैंने इसको वुजू कराया था, चलो बख्श दो। एक कहेगा ए अल्लाह मैंने इसको खाना खिलाया था, चलो बख्श दो। एक कहेगा ए अल्लाह मैंने इसको कपड़ा दिया था, चलो बख्श दो। हजारों गुनहगार इसी तरीके से बख्शे जाएंगे। और जिनको उनने खरीदा हुआ होगा, जो उसके मरीज होंगे जिनको खरीदा हुआ होगा, फिर वो जिधर जाएगा उधर उनको भी लेके जाएंगे। बनके मस्त मलंग रहेंगे, दुनिया वाले तंग रहेंगे। फिर आप अपने मुर्शिद के पास जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, वो कुछ भी नहीं होता, तो फिर वो कामल नहीं है ना, तो फिर तो हम ही नकम्मे ही है ना। तो फिर सुल्तान साहब ने फरमाया उसको बोरी में बंद कर देना, यहां कराची में समुंदर नजदीक है, वहां जाकर फेंक दे। वो कहते हैं कि वो 16 मखलूकों के कातिल हैं। तुम्हारे अंदर वो जो 16 मखलूकें थी जिन्होंने रब तक पहुंचना था, रब तक ये जिस्म नहीं जाता है, वो मखलूकें जाती हैं। तुमने बैत करी अल्लाह को पाने के लिए बैत करी, शख्सियत पाना मकसद नहीं, मकसद तो रब पाना था। उसने वो 16 मखलूकें जाया कर दी। अगर उसके 1000 मरीद हैं तो 16000 का कातिल है ना। फिर कातिल वो ऐसी मखलूकें थी, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी कुछ ऐसी मखलूक है जिसको मेरे सिवा कोई नहीं जानता, और जिसके अंदर है वो भी नहीं जानते। और वो मखलूक जब अपने हाथ नूरी हाथ उठाती है, अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता है। और वो मखलूक थी तो मर भी जाते, और वो मखलूक क़यामत तक तुम्हारी जगह अल्लाह ताला करती रहती। वो उन 16 मखलूकों का कातिल है। तो फिर बताओ जिधर वो जाएगा तुमको उधर लेके जाएगा। अब वलियों के लिए क्या है जो वली बने हुए हैं? जिस तरह झूठी वलायत का दावेदार, झूठी नबूवत का दावेदार काफर है, नबी नहीं है लेकिन अपने आप को नबी समझता काफर, उसको मानने वाले भी काफर हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई वली नहीं है, अपने आप को वली समझता है, तो फिर वो कुफर के नजदीक पहुंच जाता है, और उसको मानने वाले कमबख्त और बेनसीब। अब और वली क्या है? ये सारे अपने आप को वली समझते हैं, फिर वली क्या है? वली फिर वही है, अगर आपकी नवाज शरीफ से दोस्ती है तो नवाज शरीफ से बातचीत हो और उसको देखा हुआ, ना देखा है ना बातचीत, कहते हैं मेरा दोस्त है, झूठ है ना। वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त,
अल्लाह से बातचीत हो, अल्लाह को देखा हुआ वो वली अल्लाह है। ना अल्लाह को देखा है ना उसे बातचीत करता है, और कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। कितना बड़ा फ्रॉडी है। तेरा शाही मेरा शाही, दुनिया पर है किसकी शाही? बताओ, यकीन करो, इस इल्मे बातन के बगैर इल्मे जाहिर बेकार है। एक हदीस में है, ये जो जाहिर है ये बातन की नकल है। बात कह देते हैं, फतवे तो पहले ही काफी लगे हुए हैं। ये जो दुनिया है ये बातन की नकल है, असल उधर है, नकल इधर आया। ऐसे सबसे पहले ये जो औरत जिस पे तुम मरते हो ये भी नकल है ना, असल तो हो रहे हैं उधर, तो तुम्हारे लिए असल है वो हो रहे हैं, ये उन नकल है उनकी जगह आई है। उसके बाद ये जो तुम्हारे मकान तुम बनाए हो ये भी नकल है, उधर सोने चांदी के महलात हैं, इधर ईंटें गारे के मकान है, ये भी उनकी नकल है, नकल है ना। उसके बाद ये जो तुम फ्रूट खाते हो, खाना खाते हो, ये भी नकल है। सबसे पहले अंगूर आया, ऊपर से बहशत से आया, आदम अलैहि सलाम ने खाया, वो असल था, फिर वो जमीन में गया, फिर उगा, फिर जमीन में गया, उस नकल नकली हो गया ना। अब इसमें जमीन की तासीर हो गई और ये भी नकल। और तीसरी, जिस खाने काबा में तुम जाते हो, कितने प्यार से जाते हो, वो यकीन करो वो भी नकल। वो असल खाना काबा बैतुल मामूर है, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को दिखाया, खाम में दिखाया कि ऐसे ही नकल का खाना काबा बना, उन्होंने ऐसे ही खाना काबा बना। असल तो ऊपर है ना, असल में असली जाए ना, इसमें तो नकली भी जा सकता है, हर किस्म का आदमी जा सकता है, उसमें तो नकली नहीं जाएगा, उसमें तो असली बनना पड़ेगा। और यकीन करो ये तुम्हारा जो कुरान मजीद है ये भी नकल। और ये भाई प्रेस से आया, कागज यहां से खरीदा, प्रेस लगाया, और नकल है ना। असल जो कुरान मजीद है उसमें असली पहुंचेगा, वो तो नूरी अल्फाज हजूर पाक के सीने मुबारक में। तेरा शाही मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा दाई, असली बनोगे तो असल तक पहुंचोगे, अगर असली नहीं बनोगे तो नकली नकल है तुम्हारे लिए। और यकीन करो ये तुम्हारी नमाजें भी नकल। वो असल नमाज मोमन का मेराज है, तो ये नमाज फिरकों में मुबतला करके ले गई, ये नमाज सूरत है। मजद शाह फरमाते हैं हर आदमी की नमाज सूरत है, सूरत नकल को बोलते हैं, खासान खुदा की नमाज हकीकत है। फरमाते हैं हर आदमी को चाहिए कि नमाज हकीकत की तलाश करे, नमाज हकीकत मेराज है, और ये नमाज नकल ये फिरकों में 72 फिरकों में तकसीम हो गई। अब उस बातन के बगैर जहर का कोई कबूलियत नहीं है, नमाजों की भी कबूलियत नहीं है, क्योंकि इनमें बातन नहीं है ना। बातन क्या है? जहर लोगों को दिखाने के लिए, बातन अल्लाह को दिखाने के लिए। जहर के लिए हुक्म है तू ऐसी इबादत कर, मस्जिद में जाके कर, ताकि लोग देखें जाके कि तू नमाजी है। और बातन के लिए हुक्म है ऐसी इबादत कर, चुपके चुपके कर, तू जान और मैं जानू, इसको भी खबर ना हो। वो बातन की इबादत क्या है? वो जब तुम्हारा कल्ब अल्लाह में लग जाएगा, या तुम्हें खबर होगी तो या अल्लाह को होगी, इसको भी नहीं पता ये क्या कर रहा है। अल्लाह ताला ने हजूर पाक को फरमाया, कुल हो वल्लाह व अहद, कह दीजिए अल्लाह है क्या? आपने आमीन कहा, आपने लोगों का कह दो अल्लाह है क्या? जिन्होंने आमीन कहा मुसलमान, जिन्होंने नहीं माना काफर, जिन्होंने हिलोजत करी मुनाफिक। अब तुम किसको कहते हो कह दे अल्लाह है क्या? बस यही एक राज है। बुल्ले शाह ने फरमाया एक नुक्ते विच गल मुक दी है, तुम अपने दिल को कहते हो कह दे अल्लाह एक है, और जवाब देता है घर में आटा ही नहीं है, ये लो जित करी ना, फिर कहते हो अल्लाह उसमें अल्लाह बेनियाज है,
वो कहता